वो अभिनेत्री जिसका चेहरा जब जब पर्दे पर नजर आया, सिनेमा हॉल तालियों की घड़घड़ाहट से गूंज उठे। 80-90 के दशक की वो अदाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों के दिलों पर राज किया, क्या अमिताभ बच्चन, क्या मिथुन चक्रवर्ती, हर एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एकाएक टाटा बाय बाय कह दिया। एक वक्त ऐसा आया जब अमृता सिंह हिंदी सिनेमा जगत की टॉप अभिनेत्री बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद शादी हो जाने के बाद अमृता सिंह ने इसी फिल्म में पर्दे से दूरी बना ली और आज तलाक लेकर कैसी जिंदगी जी रही हैं अमृता सिंह, तलाक के 19 साल बाद कैसी हो गई है अमृता सिंह की हालत, जानना नहीं चाहेंगे आप? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो ऐसे में इस खास प्रोग्राम के जरिए मैं आपकी होस्ट मेघा अमृता सिंह की जिंदगी से जुड़े, अमृता सिंह के तलाक के बाद कैसी वो लाइफ जीती हैं, दो बच्चे हैं उनके, तो इन दोनों बच्चों के साथ कैसा बॉन्ड वो शेयर करती हैं, क्या वजह रही जो तलाक हो गया, भाई सबके खिलाफ जाकर जिस प्यार को अमृता सिंह ने गले लगाया था उस प्यार को यहां पर खुद से अलग कर देने के बाद कैसी लाइफ अमृता जी रही हैं, उन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले अपनी खास रिपोर्ट के जरिए शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक से लेकर दोनों बच्चों की परवरिश और इन सब के बीच में आज जब उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं तो ये बच्चे अपनी मम्मी के साथ कैसी इक्वेशन शेयर करते हैं, ये बच्चे अपनी मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, इन सब पर करेंगे हम आपसे बात। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए दिखाने जा रहे हैं हम आपको अपनी खास रिपोर्ट, देखिए जरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह, जी हाँ अमृता सिंह, जिनका नाम ही काफी है, अमृता सिंह जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, अमृता सिंह जिनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अदाकाराओं के बीच लिया जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक अमृता सिंह ने हमेशा सुर्खियों में खुद को बनाए रखा, फिर चाहे बात उनके एक्स हस्बैंड सैफ अली खान के साथ उनकी इक्वेशन की करें, बात चाहे एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ करीना कपूर खान के साथ उनके रिलेशन की करें, या फिर यहाँ पर बात कर लें बच्चों के साथ अमृता सिंह की बॉन्डिंग को लेकर। तो ऐसे में आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे तलाक के 19 साल बाद कैसी हो चुकी है अमृता सिंह की जिंदगी। बता दें आपको, सैफ अली खान की जिंदगी और लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। सैफ अमृता की ये कहानी सुनने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे कोई बॉलीवुड की मूवीज देखी जा रही है। वेल, आपको बता दें, अमृता सिंह के साथ सैफ की अफेयर और चोरी चोरी चुपके चुपके शादी ने न सिर्फ उनके फैंस को झटका दिया बल्कि खुद पटौदी खानदान भी बेटे सैफ से अमृता की शादी को लेकर चौंक गया। अमृता उम्र से काफी ज्यादा बड़ी थी सैफ से, लेकिन सैफ ने ना उम्र की परवाह की ना परिवार की, दोनों प्यार के अंधेपन में इतना ज्यादा खो गए कि एक दूजे से शादी रचा बैठे और उसके बाद एक दूजे से अलग हो गए। कहा जाता है इटली मॉडल रोजा की वजह से सैफ अमृता का तलाक हुआ, मगर इसके पीछे की वजह क्या रही असलियत में ये दोनों ही बेहतर जानते होंगे। बता दें आपको, जिस वक्त अमृता ने सैफ से शादी की उस वक्त वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, उनका करियर, उनकी सफलता आसमान छू रही थी और सैफ एक स्ट्रगलर थे। सैफ से शादी के बाद अमृता ने फिल्मों से दूरी बना ली। सैफ अली खान से शादी करने के बाद अमृता सिंह ने फिल्मी दुनिया को खुद से अलग कर दिया, जिससे सैफ को थोड़ा धक्का तो लगा लेकिन वो चुप रहे। कहते हैं ना, शादी कर ली फिर दो दो बच्चे हो गए, ऐसे में अमृता खुद को एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ हो सकता है बनाना चाहती हूँ, और इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अब इन सबके बीच में सवाल उठता है कि तलाक के, सैफ अली खान से तलाक के 19 साल बाद जब सैफ अपनी जिंदगी में करीना कपूर के साथ इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं,
बॉलीवुड की लोलो करीना कपूर को करीना कपूर खान बना चुके हैं। अपने बेटे तैमूर को लेकर चर्चा में रहते हैं। बेटी सारा अली खान के साथ भी एक प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो इन सबके बीच में अमृता सिंह की जिंदगी कैसी रह गई? तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल सैफ अली खान से तलाक के बाद अमृता सिंह की जिंदगी में कोई नहीं आया। जी हाँ, हैरानी होगी आपको जानकर कि सैफ से रिश्ता टूट जाने के बाद, सैफ अली खान से अलग हो जाने के बाद कोई भी अमृता सिंह की जिंदगी में नहीं आ पाया। जबकि सैफ एक दो मॉडल्स को डेट कर करीना के साथ अपनी जिंदगी में सेटल होकर काफी ज्यादा खुश भी हैं, और वहां अमृता सिंह सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को अपना सहारा बनाकर लाइफ को जी रही हैं, अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जी रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बच्चे अमृता के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, बच्चे अमृता के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। तो आपको बता दें, हाल ही में सारा अली खान से उनकी मम्मी के बारे में पूछा गया था। सारा अली खान से उनकी मम्मी को लेकर सवाल किया गया और सारा अली खान ने मम्मी की तारीफों के पुल बांध दिए। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, सारा अली खान ने अपनी मम्मी अमृता सिंह की तारीफों में ढेर सारी बातें की। अमृता सिंह को लेकर बता दें आपको, बेटी सारा अली खान हमेशा ही उन पर अपना प्यार जताती रहती है। बेटी सारा अली खान हमेशा अपनी मम्मी को लेकर प्यारी प्यारी और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें कहती हैं। एक इंटरव्यू में सारा अली खान से जब उनकी मम्मी को लेकर सवाल किया गया था, तो जानते हैं आप सारा अली खान ने क्या कहा था? सारा अली खान ने कहा था कि वो दिन भर पढ़ाई किया करती रहती थी और एक समय था जब उनकी मम्मी यानी अमृता सिंह उनसे बुक्स को ले लिया करती थी, क्योंकि अमृता सिंह कहती थी इतना ज्यादा पढ़ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, बचपन से लेकर अब तक अमृता सिंह अगर अपनी लाइफ में दोबारा सेटल नहीं हुई तो इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे रहे। कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश में अमृता ने खुद को इस तरीके से ढाल लिया कि अपनी लाइफ में किसी दूसरे शख्स की एंट्री के लिए, किसी दूसरे शख्स के आने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी। वेल, आपको बता दें, बीते दिनों खबर ये आई थी कि अब अमृता सिंह की बेटी उनके साथ नहीं रहेंगी। खबर आई थी कि अब अमृता सिंह की बेटी उन्हें छोड़कर किसी और घर में रहने वाली है, लेकिन बाद में बेटी सारा अली खान ने खुद ही साफ कर दिए बात कि वो अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने खुद ही ये बात क्लियर कर दी कि वो अपनी मम्मी के साथ रह रही हैं और अपनी मम्मी के साथ ही रहेंगी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हमेशा से ही माँ बेटी का रिश्ता खास होता है, और खास कर तब जब माँ ने अपनी जिंदगी में बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के कम्फर्ट जोन के लिए इतनी सारी मेहनत की हो। हालांकि लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद यहां अमृता सिंह पर्दे पर नजर भी आई। उन्होंने फिल्में की और इन फिल्मों को करने के बाद हालांकि वो पहचान उन्हें नहीं मिली, वो किरदार उन्हें दोबारा नहीं मिले, उस तरीके के रोल्स उन्हें नहीं मिले जो पहले मिला करते थे, लेकिन अपनी मौजूदगी को एक बार फिर से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर अमृता सिंह दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। इनके मूवी बहुत जल्द सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है, मगर फिलहाल के लिए अमृता सिंह को लेकर इतना ही कहेंगे कि ये वो एक अदाकारा है, ये एक ऐसी अदाकारा है जिनकी खूबसूरती, जिनके दमदार एक्टिंग और इनके टैलेंट के दीवाने लाखों करोड़ों में हैं, और इनके इसी टैलेंट की जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे प्रोग्राम अमृता स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हिंदी सिनेमा जगत के किसी और सितारे के साथ, मगर तब तक के लिए एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।